अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो यार कल से ना दोस्तों बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और यार हमारा थोड़ा सा नुकसान ये हो गया कि मुझे तो पता ही नहीं था कि यार हमारे बच्चीस ने ना अंडे अंडे दिए हैं। तो अभी मुझे पता चला है कि यहाँ पे इस मिट्टी में देखिए, यहाँ से मैं दाना डालने आया था तो दाने में भी पानी भरा हुआ है इतना सारा। ये देखें, ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा पानी भरा हुआ है। और मुझे यहाँ से अचानक नज़र पड़ी यार मटकी का, तो देखें आधी मटकी फुल हुई पड़ी दोस्तों पानी से, ये देख रहे हैं। और जब मैंने मटकी का ढक्कन उठा के देखा तो यहाँ पे भाई अंडे तैर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे अंदर भी अभी तो नज़र नहीं आ रहे, उतार के आपको दिखाऊंगा। और अभी मैंने चेक किया कि दूसरे बजेज ने भी जो है ना दोस्तों अंडे दिए हैं। मुझे पता ही नहीं था कि यार मेरे बजेज ने अंडे दिए हैं। तो कल को जब हम वहाँ पर काम कर रहे थे ना, तब भी बहुत तेज़ बारिश हुई, और पूरी रात सुबह सुबह के टाइम भी इतनी तेज़ बारिश होती रही। और मुझे तो पता नहीं था कि यार मैच में जाते यहाँ पे ढका हुआ होगा कुछ, लेकिन ये एक चादर से ढकी हुई थी, इससे पानी लग लग के अंदर चला गया। मेरा ध्यान ही नहीं आया इस तरफ, यार मेरे बजीज भी यहाँ पे पड़े हैं। तो चले यार सबसे पहले तो इनका इनकी मट्टी को उतार के ना इसका पानी गिराते हैं ताकि फीमेल दोबारा से अंडे दे दे। मुझे यार बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरे बजीज ने अंडे दिए हैं, बस मैं इनको दाना पानी करके चला जाता था। और ये देखें माशाल्लाह बजीज तो यार हमारे परिंदे खुश हैं। ओए 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 ओए, ये तो अचानक ही गिर गया। ये देखें दोस्तों एक अंडा गिरा है, ये देखें। तो इसको ना एक मिनट उतारते हैं हम। तो भाई इसको ना मैं उतार देता हूँ। ये देखें भाई, ओए यार तीन अंडे दोस्तों इसमें पड़े हुए थे, एक तो बाहर आ चुका है और एक दो जो है ना इसके अंदर पड़े हैं। इसको हम बाहर निकाल देते हैं। ये देखें भाई, ये दो अंडे पड़े हुए इसके अंदर, मतलब तीन अंडे फीमेल ने दिए थे, एक ऊपर पड़ा हुआ और एक ये पता नहीं किस फीमेल अंडा दिया था, ये तो पहले से टूटा हुआ है दोस्तों इन्हें। तो बाकी ये तो हमारा नुकसान हो गया। मुझे यार बिल्कुल भी नहीं पता था अगर इन्होंने अंडे दिए होते ना, तो थोड़ा सा शायद माइंड में आया था कि भाई मेरे पिल्ले यहाँ पर रखे हैं। यार इसको हम अभी पानी इसको गिराते हैं और पहले दूसरी मटके में चेक कर लेते हैं उस फीमेल, पहले आपको भी दिखा देता हूँ। चलो इनके अंडे उंडे इन्होंने दिए हुए, सामने वाली का नहीं पता था कितने दिए हुए या है भी या नहीं। तो इधर तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, और यहाँ पे एक अंडा पड़ा हुआ है और भाई यहाँ पे दो अंडे पड़े हैं। तो ये सूरत हाल बनी हुई यहाँ पे। तो चलो इस मटकी को पानी गिरा के ही वापस यहाँ पे हम लगा देते हैं। मटकी को ना हमने यहाँ रख दिया, अभी जब ये सूख जाएगी ना फिर इसको हम लगाएंगे। और दाना भी डाल दिया, देखें सारे माशाल्लाह खा रहे हैं। तो यार इसमें टोटल जो बजीज हैं दोस्तों सात हैं, जिसमें चार फीमेल्स हैं और तीन सात मेल हैं। तो चार मटकी मैंने लगाई हुई यहाँ पर, एक नीचे पड़ी हुई है। तो कुछ फीमेल्स ये दो अंदर बैठी हुई अंडों पर। तो ये काम तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया और अब हम अपने ऊपर वाले सेटअप पे चलते हैं। तो बाकी हमारी एवरी में भी दोस्तों पानी आया था, इन्हें भी मैंने दाना डाल दिया। देखें हमारे कॉकटेल पैरट्स जो हैं वो भी खा रहे हैं। तो चले अब यार ऊपर ही चलते हैं। तो भाई ऊपर आ चुके हैं। कल तो दोस्तों हमने ये काम करा था ना, ये टाइलें वगैरह सारी इधर लगा दी थी। और देखें गंद कितना मच चुका है यार यहाँ पर, हमारा सारा जो पिंजरा हमने कल तोड़ा था बारिश की वजह से, देखें सारा गंदा पानी यहाँ पे मतलब जमा हुआ हुआ था। तो हमने यहाँ से ना एक सुराख सा खोदा ताकि पानी जो है यहाँ से उधर भी खुला हुआ है सीधा नाले की तरफ जाए। तो बाकी आज हमने ये सारा साफ़ कर देना ये वाला हिस्सा, और जितने भी ये कचरा वगैरह यहाँ पे गंद वगैरह पड़ा हुआ है तो ये हमने उस बोरे में डाल देना, तोड़े में डाल देना। अभी मैंने इनको चावल वगैरह डाले। तो चलें पहले सफाई इनकी कर लेते हैं। और हमारे पिजन्स जाओ को हमने यहाँ पे शिफ्ट किए थे ना दोस्तों, ये देखें अपने अपने नेस्ट में बैठे हुए। ये हमारा शिराजी इसमें बैठा हुआ है, ये अपनी फीमेल को बुला रहा है। अब इसकी फ़ीमेल नहीं मुझे पता कौन सी है, एक सामने बैठा हुआ है, एक नीचे बैठा हुआ है, एक नीचे वाली टोकरी में यहाँ पर बैठा हुआ है, और एक वो कोबरा वहाँ पे भी बैठा हुआ है। ये देखें तो ये सूरत हाल चल रही है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पे दोस्तों एक इनकी पेटी में बिल्कुल भी पानी नहीं आया यार, क्योंकि हमने ऊपर सही टाइम पे ना ये शेड लगा दिया था यहाँ पे। तो बाकी जब इसकी छत हमने डलवानी है तो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ये बन जाएगा। पीछे क्या है ये यार, मेरे पाँव के बिल्कुल पास खड़ा, मैंने कहा पता नहीं क्या चीज़ है। तो रैबिट्स यहाँ पर, अच्छा यार यहाँ पर ना हमने कल रेत निकाल के डाली थी ना, तो यहाँ पे मैं देख रहा था कि कोई रैबिट्स ने खोदा तो नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो चलें पहले यार सफाई कर लेते हैं इसकी दोस्तों, उसके बाद जो है ना आपको दिखाते हैं कि हमारी, क्योंकि हमने सारा इधर से साफ़ कर देना है ये, ताकि जब केज हमने बनवाना है ना तो ये बिल्कुल साफ़ जगह हो। अच्छा यार आपको एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ, तो इसमें थोड़ा सा आपको मतलब कि अजीब सा लगेगा, वो ये है कि यार अच्छा देखिए अल्लाह ताला की तरफ से मतलब कि देर हुई है थोड़ी 10 दिन,
वो इसलिए क्योंकि यार अगर अंकल तो आ जाते आजकल में, तो हमने आजकल में अपना सारा सेटअप कंप्लीट करवा देना था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं 10 दिन बाद आऊँगा क्योंकि उनका भी काम चल रहा है। तो अल्लाह ताला ने देखे किस तरीके से किया, मतलब कि थोड़ा इसलिए लेट करवाया क्योंकि अभी 10 दिन मतलब पूरा हफ्ता बारिशें बताएंगी और इतनी तेज़ बारिशें बताएंगे, जो हमारा साथ वाला ग्राउंड है ना पानी से भरा हुआ है दोस्तों। और अगर हम काम करवा देते इस बारिश के अंदर अंदर हमने, क्योंकि यहाँ सीमेंट भी लगवानी थी, तो फिर वो सीमेंट लग ही ना पाती बारिश की वजह से। आज भी बारिश बताई है तो कुछ देर में हो सकता है बारिश हो जाए काम करते हुए। तो इसलिए यार अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरी है कि 10 दिन थोड़ा सा डिले हुआ है, तो बाकी हम इंतज़ार करेंगे क्योंकि जल्दबाजी के फैसले भी दोस्तों ठीक नहीं होते, फिर वो नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए हम थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं, फिर हमारा इंशाल्लाह काम भी जो है ना वो अच्छा हो जाएगा। तो चलें यार, फिर ये जो है ना दोस्तों आप ये फ्रेम देख रहे हैं, तो इसकी हम जाली वगैरह उतार के बाकी सारा हमने कूड़ा वगैरह सारा उठवा देना यहाँ से। तो चलें यार अब यहाँ से सफाई कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि एक बड़ा गंदा लग रहा है यार। तो उसके बाद ही फिर मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। देखें भाई, सारा का सारा सामान यहाँ से हमने उठा दिया है और माशाल्लाह साफ़ हो चुकी है सारी जगह। तो बाकी ये जो गंद वगैरह मचा हुआ ना, ये रेत पिंजरे, ये टूटा हुआ पिंजरा और ये जो ईंटें वगैरह यहाँ पे पड़ी हुई हैं, ये वाला सामान, ये सारा यार हम तब उठवाएंगे जब हमारा काम शुरू हो जाएगा, मतलब कि यहाँ से जब सामान वगैरह आ जाएगा। ये जो बाकी ये लोहा वगैरह नज़र आ रहा है तो हम कबाड़ में दे देंगे सारा का सारा। बाकी जो ये लकड़ी वगैरह नज़र आ रही है जिसके टूटा हुआ पिंजरा फजूल में यहाँ रखा हुआ यार गंद, और इसके अलावा क्या चीज़ है यहाँ पे, ये पड़ा हुआ है दोस्तों, ये सामान पड़ा हुआ है इतना सारा, और ये सामान पड़ा हुआ है, सारा सारा हम जो है ना कूड़े वाले को दे देंगे और वो ले जाएगा, उसको पैसे दे के ना हम ये वाला सारा सामान उठवा देंगे ताकि हमारी छत जो है खुली खुली लगे। और ये वाली जो वो वाली ईंटें तो लगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है ना, वो बुरी लग रही है वहाँ पर, ये बुरी लग रही है क्योंकि ये बीच में हमारी रुकावट बन रही है, छत की जगह इसने घेर लिया। तो इस ईंटों को दोस्तों हम तोड़ के एक एक ईंट अलहदा करके साफ़ करके हम यहाँ पर लगा देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि यार अभी बारिश का मौसम, हमने तो आज करना चाहिए काम, लेकिन पापा ने फिर मना कर दिया, वो कहे यार अब बारिश का मौसम है, अगर बारिश आ गई ना तो सीमेंट को लग लग के सारा काम हमारा ख़राब हो जाएगा, तो ये ना हो कि दीवार ही गिर जाए पूरी अगर हम लगाएं। तो इसलिए हमने अभी ये थोड़ा सा डिले कर दिया, पेंडिंग पे अभी है। और ये वाली जो दीवार देखने इसके बराबर बिल्कुल यहाँ से यहाँ से यहाँ तक जो है ना, ये सारी मतलब कि यहाँ दीवार से बन जाएगी, उसके बाद हम इसके ऊपर वाइट वाश वगैरह कर देंगे ताकि दीवार ये बुरी ना लगे। तो यहाँ पे देखें ये भी गंद मचा हुआ है, तो इसको भी चलें अंदर जाके जो है आप साफ़ कर देते हैं। भाई ये सारा यार साफ़ हो चुका है और धूप भी निकल आ चुकी है, गर्मी लगना शुरू हो चुकी है हमें। और यार ये इनका केज भी साफ़ हो गया, बाकी थोड़ी बहुत कीचड़ मची हुई थी जिसकी वजह से उठ नहीं रहा था, अगर धूप लगेगी तो ये भी ठीक हो जाएगा। और इसको देखें भाई, हमारे जो चाचू थे ना जिन्होंने बनाया था चिकन पेशावरी शनवारी गोश्त, ठीक है वो इसके लिए लेके आए हैं भाई, क्या नाम है इसका, क्या चित्राल की टोपी है, ऐसे जैसे पठानी पहनते हैं। माशाल्लाह देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है यार, वो यहाँ पे हिरन का मुंह भी लगा हुआ है, सींग भी हैं, और ये देखें मोर के पंख, माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो यार ये गाड़ी भी कितना वजन हो चुका है, ये उठाएंगे कैसे भाई हम, ये तो 50-60 किलो से भी ऊपर का है ना, मन से ऊपर का चला गया, वजन होना नहीं था इतना, ये गीला हो गया उसकी वजह से हो गया पानी की वजह से। तो यार हम कोशिश कर रहे हैं कि यार ये आज हम थोड़ा सा बुरे हालात में, तो हम एक सारा कबाड़ भी यहाँ से उठवा लेते हैं, तो चले यार फिर ये भी जो है ना ले के आते हैं, उसमें जो पैसे आएंगे मैं कह रहा हूँ मछली ले आते हैं अभी सही नहीं, तो चले यार फिर ये भी उठाते हैं दोस्तों। भाई अब जो है ना दोस्त सारा काम कर दिया हमने अल्हम्दुलिल्लाह से, और ये देखें यार सारा जितना भी गंद पड़ा हुआ था हमने सारा का सारा उठा दिया, और यहाँ पे जो बजरी वगैरह पड़ी हुई थी ये, और ये जहाँ ये सारा लोहा वगैरह भी हम सारा जो है ना बेच आए थे। और अब मौसम माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त हो गया, अभी हल्के हल्के बारिश के कतरे गिरे थे लेकिन फिर बंद हो गया, और फिर से देंगे
बादल जो है ना आ रहा है, बारिश के आसार नज़र आ रहे हैं। तो बाकी यार हमने इंशाल्लाह दोस्तों, मैंने बारिश का यार थोड़ा सा मसला बन रहा है, वरना हमने दीवार भी अभी लगा देनी थी इसकी। मैं सीमेंट वगैरह भी ले आया हूँ जाके, और ये जो दीवार है ना ये सारा कंध उठ के यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि एक एक ईंटें लगा देंगे हम यहाँ पे, तो ये सारी दीवार जो है कवर हो जाएगी। तो चले यार फिर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलेंगे फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में किसी और लोगों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।